हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। यहाँ पर मैंने ब्लाउज बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। इसको मोड़ लेंगे, फिर लंबाई नापेंगे। लंबाई मैंने 14 इंच ली है और 15 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इसके बाद हम कंधे की चौड़ाई लेंगे, 6.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इसके बाद हम अंडरआर्म की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की चौड़ाई लेंगे, 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। गोलाई देने के लिए 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। लाइन खींच के इसको मिला लेंगे। गले का निशान लगाएंगे। मैं पीछे वी नेक और आगे बोट नेक रखूंगी, इसलिए मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पीछे के गले की लंबाई 11 इंच ली है मैंने। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। गोलाई देंगे गले में। बाजू के यहाँ गोलाई देंगे। ब्लाउज के आगे के भाग के लिए निशान लगाएंगे। पीछे हमने 15 इंच रखा था तो पीछे से 1 इंच ज़्यादा 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ब्लाउज की चौड़ाई जो पीछे की थी वही आगे की सेम रखेंगे। बाजू की लंबाई और चौड़ाई सेम पीछे की थी वही रखेंगे। बेल्ट के लिए आगे निशान लगाएंगे 4 इंच पर और पीछे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको मिला लेंगे। गले की चौड़ाई सेम पीछे की थी वही रखेंगे ताकि शोल्डर आगे पीछे नहीं हो। लंबाई में मैंने 4.5 इंच लिया है। बोट नेक बना रही हूँ इसलिए 4.5 इंच लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले में गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। बोट नेक है इसलिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। इंची टेप को शोल्डर के बीच में रख के 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इसको गोलाई देते हुए मिला लेंगे। ब्लाउज के आगे के भाग में बाजू की जो गोलाई देंगे उसको 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और जो बाजू में झोल आता है वो भी नहीं आएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर प्रेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज के फ्रंट और बैक भाग की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।